माय व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस वीडियो में। वैसे दुर्गा पूजा में अब गिने चुने कुछ ही दिन बाकी है, पर अब मतलब इस मोड़ पे आके प्रकृति हमें अपना पावर दिखा रही है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिलचर की कई जगहों पर पानी जम गया है, और अगर दुर्गा पूजा से पहले ये बारिश नहीं रुकी तो शायद हमें नाव में चढ़ के दुर्गा माँ के दर्शन करने होंगे। एनीवे, फिंगर्स क्रॉस ऐसा कभी ना हो। पर अब क्या हाल है, हमारे शहर में क्या चल रहा है? आई थिंक क्योंकि बारिश रुक गई है, मतलब हल्की फुल्की हो रही है, तो मैं अभी बाहर निकल सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखाते हैं हमारे शहर में क्या चल रहा है, लेट्स गो। आसमान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। इनफैक्ट सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ा रुका है तो मैं निकल गई, पर अपने साथ रेनकोट में लेके गई हूँ क्योंकि बारिश फिर से कभी भी आ सकती है। हमारे सिलचर में ये चल क्या रहा है, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, हम गर्मी से जूझ रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, और अब बारिश में हम डूब रहे हैं। पर कल कुछ भी हो, बारिश हो, तूफान हो, आसमान से ओले गिरे, कुछ भी हो, कल सुबह तो मैं जरूर निकलूंगी और पूरा शहर घूमूंगी, क्योंकि कल है महालया, वो दिन जब माँ दुर्गा कैलाश से अपने पूरे परिवार के साथ निकलते हैं अपने मायका यानी पृथ्वी लोक के लिए। पर इस बार पृथ्वी का कंडीशन थोड़ा अलग है, तो दुर्गा माँ का खबरी लाल बनकर मैं आ चुकी हूँ शहर का खबर लेने। तो इस वक्त शहर सिलचर का ताज़ा खबर ये है, सेकंड लिंक रोड से ही लगा है ट्रैफिक जाम जो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मैं धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही हूँ, पर सच बताओ मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट या फिर लॉन्ग रोड भी ले लेती हूँ ट्रैफिक जाम को अवॉइड करने के लिए, पर आज मैं यहाँ फंस गई। तो काफ़ी देर यहाँ पर खड़े रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, स्कूटी को साइड में रख दूँगी और जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तब मैं यहाँ से निकलूँगी। एनीवे, कुछ देर यहाँ साइड में खड़े होने के बाद धीरे धीरे मुझे लगा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुक गई तो सारी ज़िंदगी यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो बस भगवान का नाम लेके मैं आगे आ गई, और ये है सिलचर काठल पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हो कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, मैं तो खामखा ही डर रही थी। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आ चुकी हूँ लिंक रोड के सामने, और मुझे जिस बात का डर था वो सच हो चुका है। यहाँ रास्ते के ऊपर पानी भर चुका है, जिस साइड से मैं जा रही हूँ अभी तक पानी में मुझे जाना नहीं पड़ा, पर दूसरा साइड जो है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। और आज तो जैसे मैंने खुद अपने किस्मत पर ट्रैफिक जाम का योग लिख दिया है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ एक कदम जा नहीं पा रही हूँ कि मुझे लगभग 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ रहा है। एनीवे, वेलकम टू सिलचर वाटर पार्क, जहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़। आप चाहे तो पैदल पानी में जा सकते हो, अपनी गाड़ी यहाँ पर ला कर खराब कर सकते हो, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। अब भले ही मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं धन्नों को लेकर पानी क्रॉस कर रही हूँ, और मेरे मन में बहुत जोर से धक धक हो रहा है, क्योंकि मेरी धन्नों की तबीयत ठीक नहीं है, स्कूटी थोड़ा खराब चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और मैंने ठीक भी नहीं कराया, और अगर अब ये बंद पड़ गया तो मेरे लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। फिलहाल मैं हूँ सिलचर नेशनल हाईवे पॉइंट पर, और जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो ट्रैफिक पुलिस बहुत ही एक्टिवली अपना काम कर रही है। पर यहाँ पर अगर आप रास्ते का दूसरा साइड नोटिस करें तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी लंबी लाइन है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अब मुझे डर लग रहा है यहाँ से आगे जाने का, क्योंकि जाने को तो मैं चली जाऊँगी पर वापस आने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये देखिए यहाँ का सिचुएशन, गाड़ी को एक कदम आगे जाने में एक घंटा लग रहा है, और ऐसे सिचुएशन में मैं अपने काम से भी ना जाऊँ,
घूमने क्या थक जाऊंगी, चलिए यहाँ से लेते हैं यू टर्न। तो बस हो गया मेरा सिलचर घूमना, यहाँ से मैं घूम जाऊंगी और वापस अपने घर चली जाऊंगी। पर जाने से पहले सिलचर नेशनल हाईवे पॉइंट पर क्या चल रहा है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई अपने धन्नों के पास, पर मुझे पता नहीं था अब मैं जा रही हूँ अपने जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर तय करने। जिस रास्ते से मैं आई थी पानी तो था पर उतना ज्यादा नहीं था, पर जिस रास्ते से मुझे जाना है वो पानी का खजाना है, कुआ है, तालाब है और कई कई जगह पर आप समुन्दर का फील भी ले सकते हो। तो अब अपने धन्नों को मतलब स्कूटी को साइड में रख के मैं जा रही हूँ आगे रास्ते की गहराई को नापने, ताकि जब मैं अपने धन्नों के साथ आऊँ बिना किसी दिक्कत के आराम से निकल जाऊँ। जहाँ नॉर्मल दिनों में एक कभी कभी दो ट्रैफिक पुलिस रहते थे, वहाँ पर आज 7 से 8 पुलिस वाले लगे हुए हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है और साथ ही साथ ये कितना गहरा है, मैं कैसे जा पाऊंगी, सारे कैलकुलेशंस भी कर लूंगी। ओह माय गॉड, यहाँ की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर पुलिस लोगों की मदद करते हुए लोगों को बताते हुए किस साइड से जाना है ताकि पानी कम हो और लोग गड्ढे में ना फंसे। यहाँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, यहाँ कई सारे गड्ढे हैं। फिर मैंने वहाँ खड़े पुलिस वालों के साथ भी थोड़ी देर बातें की जो इतने मुश्किल माहौल में मुस्कुराते हुए हम सबकी मदद कर रहे थे। एंड हियर कम्स डोमिनेशन ऑफ माय गोप्रो कैमरा। भैया ने पूछा ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो मैंने भैया के हाथ में ही थमा दिया। एंड हाँ, दिस इज नॉट एनी रूल ब्रेकिंग एक्टिविटी एनीवे। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, पर यहाँ पर ये स्कूटी फंस गई जिसे पुलिस वालों ने धक्का लगाकर निकाला। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया, भले ही वो उनका काम है, लेकिन इस काम को भी बहुत अच्छे से किया, फॉर विच दे डिजर्व ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। चलिए अब उनके साथ बातें शाते करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी तो करना है। अब सच बताऊँ, मैं मन ही मन थोड़ा तो पछता ही रही थी कि मैं आज घर से क्यों निकली। ये देखिए, पहले यहाँ पर स्कूटी फंसा, अब यहाँ पर ऑटो भी फंस गया। अब किसी तरह धक्का लगाने के बाद ये ऑटो यहाँ से तो निकल गया, पर मेरे मन में एक ही डर है, मैं यहाँ पर फंसना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मेरा 2-व्हीलर है, फंसूंगी तो डायरेक्ट गिर ही जाऊंगी। और अगर आपको अभी भी इस जगह की गहराई का पता नहीं चला है तो ये देखिए, अब पता नहीं मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, आगे और भी कई सारे गड्ढे हैं। अब जिंदगी के इस मोड़ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं वेट करूँ पानी कम होने का, या फिर इसी पानी के ऊपर से मैं निकल जाऊँ। अगर मैं वेट करने लग गई और वापस से ज़ोरदार बारिश हो गई तो शायद मैं घर भी ना पहुँच पाऊँ, तो अभी मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं वापस अपने धन्नों की तरफ। और जाते जाते मैं आपको दूसरे साइड का व्यू भी दिखा देती हूँ, जिस साइड से मैं आई थी। यहाँ पर पानी तो है पर यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है, इसलिए हम आसानी से आ पाए। और साथ ही साथ रास्ते का एक्सट्रीम राइट साइड से आने से पानी भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, पर जाने का समय, ये सच में बहुत टेंशन वाली बात है। ये देखिए, दुर्गा पूजा का पंडाल यहाँ पर बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स बारिश के वजह से काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे भी दुर्गा पूजा में ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, तो जल्द से जल्द बारिश को निपटते हुए ये काम ख़त्म करना ही होगा। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ अपने धन्नों के पास और अब इस बेचारे को अग्नि परीक्षा नहीं, पानी परीक्षा देना पड़ेगा।
तो चलिए चलते हैं। और चलते चलते मैं आप सबको याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ जल परीक्षा की तरफ। मन में बहुत ज़्यादा डर है और जब भी डर होता है तब भगवान जी का नाम ही मुँह पर आता है। तो अब भगवान जी के नाम के भरोसे मैं उतर चुकी हूँ पानी में और अब जो कुछ भी है वो आप सबके सामने ही है। अब इस सिचुएशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मेरी हालत खराब हो गई थी ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा, पर जो लोग भी इस रास्ते से जाते हैं सावधान रहिएगा। हरे कृष्णा भाई, इतना टफ था मेरे लिए ये जगह क्रॉस करना, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए मैं ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं आऊँगी, खास करके अपने धनों को लेके। बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसे क्रॉस करके आना और थैंक्स टू धनों ये बंद नहीं पड़ा, अब मुझे बस घर जाना है। इस महायुद्ध में विजयी होने के बाद इस वीरांगना को विश्राम की सख्त ज़रूरत है। तो अभी आप लोगों से लेती हूँ विदा, पर मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।